मुखबिर की सूचना पर असलाह सप्लायर को पकड़ने गई पुलिस और असलाह सप्लायर ने फायरिंग की जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने असलाह सप्लायर को पकड़ने में कामयाबी मिली। आपको बता दें कि सवासी जिले के घुमना कोतवाली क्षेत्र के वन विभाग बैरियर के आगे एक पुलिया के पास अगर मोटरसाइकिल पर सवार असलाह सप्लायर के होने की सूचना पर एस पी विजय ढूल के आदेश पर गिरफ्तारी की स्पेशल पुलिस टीम पर असलाह सप्लायर ने कई राउंड फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से भागने लगा। पुलिस के जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के मोटरसाइकिल के पैर में गोली लगने से असलाह सप्लायर सड़क पर गिर गया। पुलिस टीम द्वारा उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस द्वारा असलाह सप्लायर की तलाश किया गया तो तलाशी के दौरान असलाह सप्लायर के पास आधा दर्जन से अधिक कारतूस बरामद हुआ। इनका पुलिस ने योगेश यादव को धारा 307/3 दर्ज करके जेल भेज दिया है। क्षेत्र में आ रहा है इस सूचना पे हमने डेवलप किया और जो हमारी SST टीम है उस टीम ने उसको भिंगा में जो वन विभाग का बैरियर है उसके पास उसको घेरा। पुलिस की टीम को पास आते देख उसने पहले पुलिस पे फायर किया और अपनी मोटरसाइकिल से उसने फरार होने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसकी मोटरसाइकिल पे गोली लगी जिससे उसका टायर पंचर हो गया और उसकी मोटरसाइकिल गिर गई। उसको हल्की चोटें भी आई हैं। उसको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 3 देसी तमंचे बरामद हुए हैं और पूछताछ में उसने ये कबूल किया है कि पिछले कुछ समय से वह यह अवैध असले का कारोबार कर रहा था। उसे अभी विशेष पूछताछ हमारी चल रही है और इसके ऊपर हम आगे डेवलप करेंगे और जहाँ से भी ये पहले इसने सप्लाई किया है और जहाँ से ये प्राप्त करता है उन सबके विरुद्ध भी हम जल्दी ही कार्रवाई करेंगे।